आरआरबी रेलवे जेईसीबीटी वन परीक्षा रिजल्ट 2019 20 लाख छात्रों को लगा बहुत बड़ा झटका। बोर्ड के नोटिस से अभ्यर्थी परेशान हुए। अब छात्र करे तो क्या करे, सीबीटी 2 की तैयारी 15 दिन में कैसे होगी, ये सवाल छात्रों के मन में उठने लगे। बोर्ड ने अभी भी जारी किए रिजल्ट थी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हो, देख लेते पूरी जानकारी इस वीडियो में फटाफट से। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करे व्हाट्सअप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में, ताकि सभी तक जानकारी पहुंच सके। और दोस्तों रेलवे भर्ती की पल पल अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप आरआरबी जेके स्टेज 2 यानी सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी करो तो तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट बुक अवेलेबल हो चुकी है। उसके साथ ही साथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बुक भी अवेलेबल हो चुकी है। इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने आरआरबी जेके 13,000 प्लस पदों के लिए आवेदन किया था और आपने एग्जाम दी थी और आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों फाइनली आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट आई है। आरआरबी जे रिजल्ट 2019 आरआरबी जे सीबीटी 1 परीक्षा का रिजल्ट किस दिन होगा जारी, उसके साथ ही साथ सीबीटी 2 एग्जाम डेट के बारे में बहुत बड़ी अपडेट है। ये 3 अगस्त 2019 की लेटेस्ट अपडेट है। तो चलिए दोस्तों देख लेते पूरी जानकारी इस वीडियो में फटाफट से। दोस्तों भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी जे सीबीटी 1 परीक्षा का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर किसी भी समय जारी हो सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे और इंडिविजुअल स्कोर कार्ड कटआउट भी देख पाएंगे। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, जहां से आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। 215 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है सीबीटी 2 एग्जाम के लिए टोटल वैकेंसी के। और 200 सीबीटी 2 एग्जाम अगस्त के लास्ट वीक से शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि सीबीटी 1 एग्जाम का रिजल्ट किसी भी हाल में 15 अगस्त के पहले जारी कर दिया जाएगा। और दोस्तों आप मान लीजिए कि 15 अगस्त तक अगर रिजल्ट आता है तो उसके बाद आपको लगभग 15 से 20 दिन का ज्यादा से ज्यादा समय मिलेगा, उससे ज्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा सीबीटी 2 एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। आप क्या चाहते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या सीबीटी 2 एग्जाम डेट को एक्सटेंड कर देना चाहिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को? ज्यादा से ज्यादा छात्र ऐसे जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को गुजारिश कर रहे हैं कि सीबीटी 2 एग्जाम डेट को बढ़ाया जाए, कम से कम रिजल्ट के बाद 50 दिन का समय उन्हें दिया जाए, ऐसी मांग रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को लाखों छात्र कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपके 40 भी अंगारे तो भी आप सीबीटी 2 एग्जाम की प्रिपरेशन जोरों शोरों से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा है। क्या सीबीटी 2 एग्जाम डेट को बढ़ाना चाहिए नहीं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिए। और इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दोस्तों रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।